इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 2008 मालेगांव धमाके की जांच पर ये बड़ी खबर। कोर्ट में गवाह ने सनसनीखेज खुलासा किया। एटीएस ने सीएम योगी का नाम लेने का दबाव डाला। कोर्ट ने ये सनसनीखेज गवाह ने खुलासा किया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, मालेगांव 2008 ट्रायल अपडेट में आज टेस्टिमनी थी एक गवाह की, और उसने कोर्ट को बताया कि आई वॉज थ्रेटन्ड, टॉर्चर्ड, kept in illegal custody by Mumbai ATS to take the name of 5 RSS people including Yogi Adityanath. यानी कि उसने साफ कहा कि मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया और साथ ही साथ टॉर्चर किया गया, इलीगल कस्टडी में रखा गया मुंबई ATS के द्वारा, ताकि मैं RSS के संबंधित 5 लोगों के नाम लूं और उन नामों में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। इनके साथ साथ इंद्रेश कुमार का नाम शामिल है, असीमानंद देवधर का नाम शामिल है और काका जी का नाम शामिल है। ये एटीएस की तरफ से जो गवाह रहा है उसका नाम सामने आया और उस गवाह ने कोर्ट के अंदर ये बात कही है। वही सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, ये सनसनीखेज खुलासा है कि कोर्ट के अंदर गवाह अगर ये कहता है कि मुझे डराया गया, धमकाया गया लोगों का नाम लेने के लिए, इसमें कि खुद उत्तर प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। जी देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जहां पर विटनेस ने साफ तौर पर ये बड़े बड़े कई नाम लिए हैं, लेकिन जो इन्होंने इल्जाम एटीएस के अफसरों पर लगाया है कि उन्हें फोर्स किया गया था कि इन सारे लोगों के नाम लिए जाए, उनको टॉर्चर किया गया था। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि अक्सर ऐसे बड़े बड़े केसेस जो होते हैं उसमें विटनेस अपने पक्ष से बदल जाते हैं, ट्रायल में कुछ और बयान दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई अलग बयान दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से खुद योगी आदित्यनाथ का जो नाम सामने आया है और एटीएस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, इसको लेकर एटीएस द्वारा भी रिप्लाई आना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विटनेस है, अब इनका जो स्टेटमेंट है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ट्रायल में इन्होंने कोर्ट के समक्ष ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ऑफिसर्स के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने।